अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ स्टफ़ पिज़्ज़ा बाइट, जिसके लिए मैंने पिज़्ज़ा डो रेडी करके रखी है। नॉर्मल जो हम पिज़्ज़ा डो बनाते हैं वही इसमें यूज़ होगी। और चिकन चाहिए जिसे मैंने बिल्कुल फाइन क्यूब कट कर लिया था। अनियन चाहिए जिसे मैंने स्लाइस कट कर लिया और बीच में से भी काट लिया, ज़्यादा बड़ी नहीं यूज़ होगी। शिमला मिर्च भी मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप की है और मशरूम भी मैंने फ़ाइन चॉप की है। और ये जो ऑलिव्स है इसे भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया। ये इसके इन्ग्रीडियंट्स हैं और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड होंगे। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखा था और ये बहुत अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। राइस जब ये हो जाएगी उसके बाद जब भी आप यूज़ करेंगे इसे पंच करके यूज़ करें ताकि जो इसमें एयर है वो निकल जाए, वरना आपकी ब्रेड कभी भी नहीं फूलेगी। अब मैं स्टफिंग रेडी करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया है। इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन चॉप किया हुआ। इसे हम सिर्फ सौते करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसका सिर्फ अरोमा चाहिए, तो हम इसे गोल्डन नहीं करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा हम इसे सौते करके चिकन ऐड करेंगे। तो ये हो चुका, अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम चिकन जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का जो कलर है वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मशरूम्स, क्योंकि मशरूम्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में और मुझे सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, तो इसलिए पहले मशरूम डालूँगी ताकि थोड़े से गल जाए। फिर हम लास्ट में शिमला मिर्च और प्याज ऐड करेंगे। अब मैं इसे सिर्फ 1 मिनट तक पकाऊँगी, फिर उसके बाद मैं बाकी सारी वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी। अगर आप कैन के मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं तो आप सारी वेजिटेबल्स एक साथ डालते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह फ्रेश मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पहले थोड़ा सा पका लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये हो चुका तकरीबन। अब मैं इसमें प्याज, शिमला मिर्च, ऑलिव्स ये सब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें केचप ऐड करेंगे 1/4 कप। तो स्टफिंग रेडी हो चुकी है, मैं इसे ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद हम इसे फिल करेंगे अपनी पिज़्ज़ा बाइट्स के अंदर। इसे हम अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ऐड करूँगी। मैं इसमें 1/2 कप यूज़ करूँगी मोज़रेला चीज़ और 1/2 कप मैं इसमें यूज़ करूँगी चेडर चीज़, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद। तो चीज़ मैंने इसमें डाल दिया, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम फिल करेंगे। और ये मैं ओवन में नहीं बनाऊँगी, पतीले में बनाऊँगी। सबसे पहले पतीले को हम प्री हीट कर लेंगे और इसके अंदर नमक भी बिछाते हैं और रेत भी बिछाते हैं, लेकिन मैं ना नमक बिछाऊँगी ना रेत, मैं डायरेक्ट करूँगी। सबसे पहले हम इसको प्री हीट कर लेंगे जिस तरह हम ओवन को करते हैं, और फिर इसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की एक छोटी सी प्याली या प्लेट ले सकते हैं, ये मैं बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। अब मैं इसको ऐसे ढक्कन से ढकूँगी जहाँ से कोई एयर निकलने की जगह ना हो, क्योंकि जो नॉन स्टिक का जो अपने लिड होती है उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जहाँ से एयर और जो इसके अंदर मैं हीट बनाऊँगी वो निकलती रहेगी। तो इसलिए मैंने सिल्वर का ढक्कन रखा है ताकि हीट ना निकले। इसे मैं 10 मिनट तक तेज़ आंच पे प्री हीट कर लूँगी जब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। तो ये पेड़े रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको फ्लैट करके इसके अंदर स्टफिंग भरूँगी। अब इसको मैं चारों तरफ से सील कर दूँगी। इसको इस तरह से सील कर देंगे और एक बेकिंग पैन ले लेंगे, उसको ग्रीस करके रखते जाएंगे थोड़े थोड़े फासले से। तो मैंने इसमें स्टफिंग कर दी। अब मैं इसके ऊपर एग वॉश, अगर आप एग वॉश करना चाहते हैं तो एग वॉश कर लें कलर के लिए, नहीं तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दूँगी इसके ऊपर और इस पर डालेंगे थोड़ी सी पिज्ज़ा सीजनिंग। तो इसे मैंने रख दिया और इसे मैं लो मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक बेक करूँगी। ये 15 मिनट में रेडी हो जाएंगी। तो ये स्टफ बाइट्स रेडी हैं और बहुत ईजी है। स्टोव पे बनाई हैं, अगर आपके पास ओवन नहीं है या आपको ओवन यूज़ करना नहीं आता तो आप स्टोव पर आराम से बना सकते हैं, चाहे केक हो चाहे ब्रेड्स हो, सिर्फ आपकी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो आप ट्राई करें और फीडबैक दें कैसी बनी। थैंक यू।